So hey guys, welcome back in another new video on our YouTube channel Electronics Globe. So from this side, this is Satyam Raj Sinha. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ओम्स लॉ के बारे में आपको अच्छे से डिस्कशन किया था आपके साथ कि ओम्स लॉ क्या होता है. ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी मैंने देख बताया आपको कि वोल्टेज कैसे कैसे चेंज करता है, तो हमारा करंट चेंज होता है. इसके में आपको पता है कि ओम्स लॉ का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो हमारा होता है ये कंडीशन आता है उसमें. तो वोल्टेज चेंज होने से करंट कैसे चेंज होता है, ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था. 4-5 एग्जांपल दिया था उसमें, अलग अलग मैंने वोल्टेज को कंसीडर किया था, आपके रेजिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट रखा था वहाँ पे. तो इन सभी चीज़ों के हेल्प से मैंने आपको समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बताया था कि वोल्ट करंट का क्या होता है वोल्टेज का. फिर उसी तरह से मैंने आपको ओम्स लॉ के हेल्प से मैंने आपको रेजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, तीनों का आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था. लीनियर बताया था, नॉन लीनियर सर्किट बताया था, कहाँ पे आपका ओम्स लॉ वैलिड होता है, कहाँ पे आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, क्यों सेमीकंडक्टर एक नॉन लीनियर सर्किट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था आपको. ऊपर आई टैब में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो को देख लेना, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका. तो उसी का आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि है मेरा एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ. रजिस्टर के केस में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि रजिस्टर जो होता है वो कब शॉर्ट सर्किट होता है, कब ओपन सर्किट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे ओम्स लॉ का, अगर एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ. तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो कंप्लीट बात किसके बारे में करूँगा, रजिस्टर के बारे में बात करूँगा. जो ओम्स लॉ का एक एप्लीकेशन मैं लूँगा वो है रजिस्टर के बारे में, जिसमें आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊँगा कि उसका क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊँगा आपको कैसे कैसे वो चीज़ें काम करती हैं. तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. वीडियो पसंद आएगा तो चैनल करो सब्सक्राइब, नहीं कमेंट करो, आपको अपने आपका जो भी सजेशन है उसे जरूर कमेंट में करना कि अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो क्यों डिसलाइक कर रहे हो, उसका रीज़न देना ताकि मैं आने वाले टाइम में और उस चीज़ को इंप्रूव कर सकूँ कि वो चीज़ हमारे मेरे से गलती ना हो. तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. तो मैं शुरू करने वाला हूं आपका ओम्स लॉ का जो हमारा एप्लीकेशन है, तो देखते हैं ओम्स लॉ के बाद. तो हमारा जो आज का वीडियो होगा ये शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट के बारे में होगा, कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट रजिस्टर के केस में क्या होता है. तो प्रीवियसली मैंने आपको जो बताया था वो बताया था हमारा कब कैसे ओम्स लॉ काम करता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर का क्या मीनिंग होता है, वोल्टेज चेंज होने से कैसे करंट चेंज होता है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है. एक मैं रेजिस्टेंस बनाता हूँ और इस रेजिस्टेंस का मैं वैल्यू देता हूँ आर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज़ वी, और यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो है आई, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारा होता है दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है, और आर की हमें बेसिक हमें आर की ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की चेक करना है, कब ओपन होता है कब शॉर्ट होता है, तो हम उसके लिए आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो आर इज़ इक्वल टू हमारा होता है दैट इज़ वी बाई आई, ठीक है. ये हमारा यहाँ इस फॉर्मूला के हेल्प से मैंने इसको डिराइव कर लिया, और अब मैं इसी चीज़ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमारा ये ओपन सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट होगा. इसके लिए मैं दो केसेस बनाने वाला हूँ. तो सबसे पहला जो हमारा केस होगा दैट इज़ केस नंबर वन जो हमारा होगा बेसिक, वो उसमें मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमारा वोल्टेज जीरो वोल्ट का मीनिंग क्या होता है. तो वोल्टेज जीरो होने से क्या हमारा मिलने वाला है, ठीक है. वोल्टेज अगर जीरो करेंगे तो फ्रॉम इस इक्वेशन को मैं वन मानता हूँ. तो अगर मैं चलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, अगर इक्वेशन वन से मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास R है और R इज इक्वल टू V बाई आई है, और V की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ और I करता हूँ. सो यू वेल नो अबाउट दिस रिजल्ट कि हमारा जीरो इफ डिवाइडेड बाई एनी थिंग इज कॉल्ड जीरो. सो R की वैल्यू हमें जीरो मिली है, सो दैट वी कैन राइट जीरो ओम रेजिस्टेंस. और जीरो ओम का रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली हमारा ये होता है, जितना कम रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है करंट उतना इस फ्लो करेगा, ठीक है. हमारा वोल्टेज पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, हमारा वोल्टेज में कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, तो वोल्टेज हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्लो करेगा, और उसके कारण क्या होगा, हमारा करंट भी मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है. करंट क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा हमारा, ठीक है. प्रैक्टिकल अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, तो सपोज करो ये हमारा प्लस माइनस 5 वोल्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 ओम. यहाँ से अगर मैं करंट निकालता हूँ, अभी मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं चेक करता हूँ कि हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी. तो प्लस 5 वोल्ट इज़ प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस
1 इंटू आई इज इक्वल टू 0, मैं KVL इक्वेशन यहाँ से लगा रहा हूँ तो हमें देखने के लिए मिलता है 1 I इज इक्वल टू 5 वोल्ट और I इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल गया, दैट इज 5 एम्पियर। सो करंट हमारा क्या हुआ, 5 एम्पियर का फ्लो किया। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं 1 की जगह अगर 10 कर देता हूँ, सपोज करो इफ R इज इक्वल टू, मैं 100 ले लेता हूँ, चलो हटाओ यार, मैं 100 ले लेता हूँ, 100 ओम अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो 100 ओम से देखने के लिए मुझे मिलता है कि माइनस 5 प्लस 100 आई इज इक्वल टू 0। और अगर मैं आई की बात करता हूँ, सो 5 डिवाइड बाई 100 यानी आई की वैल्यू हो गई 0.05 एम्पियर। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है ना, मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज को सेम रखा है बट रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या हुआ, मेरा करंट जो था वो करंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया है ना, करंट हमारा क्या हो गया 5 वोल्ट से सीधा ड्रॉप हो गया 0.05 एम्पियर पे करंट हमारा आ गया, समझ रहे हो बात को। तो हमारा क्या हो रहा है इसी तरह से कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा करंट हमारा वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, यानी आई मैक्स जो हमारा होगा वो हमेशा जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर मीन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आर मीन पे डिपेंड करेगा जो हमारा मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, कि आर जितना ज़्यादा मिनिमम होगा करंट उतना मैक्सिमम फ्लो करेगा हमारा। ठीक है, करंट क्या होगा हमारा मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये समझना बेसिक कि जो हमारा आर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम फ्लो करेगा। सो जब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आर होगा 0 ओम को अगर मैं लेता हूँ एकदम मिनिमम, सो इसका मतलब हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट पाथ से करंट हमारा क्या होगा मैक्सिमम फ्लो करेगा। समझ रहे हो बात को, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। जैसे कि अगर आप देखते हो इंसुलेटर, सो इंसुलेटर हमारा जो काम करता है, इंसुलेटर का जो हमारा काम होता है बेसिक क्या होता है, वो करंट को रोकने, मतलब वो एक हमारा कंडक्टर इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर जो हमारा होता है बेसिक वो क्या काम करता है कि आपको करंट से प्रोटेक्शन देता है, कि इनके अगर आप बिजली वगैरह के काम कर रहे हो, आप इंसुलेटर यूज़ कर रहे हो, इंसुलेटिंग मटेरियल का आप शूज़ यूज़ कर रहे हो, आपके पास सेफ्टी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा आपको करंट नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा क्या होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस के कारण हमारा क्या होता है कि करंट फ्लो करता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा वोल्टेज जीरो होने वाला है तो वोल्टेज जीरो होने के कारण रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा और करंट क्या होगा हाई फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस जितना, ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल लेके बताया, तो हमारा ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना क्या होगा करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होने वाला है, शॉर्ट सर्किट होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा केस नंबर 2 जो है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट, करंट को मैं ज़ीरो करके एक बार चेक करता हूँ कि करंट को ज़ीरो करने से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा केस नंबर जो हमारा 2 है, केस नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, करंट को जीरो करेंगे, और R इज इक्वल टू होता है V बाई आई, और करंट को अगर हम जीरो करेंगे, सो यू नो वेल, वेरी यू नो वेरी वेल अबाउट इफ एनीथिंग इज डिवाइडेड बाई जीरो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट ओम का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस जितना मैक्सिमम होगा करंट हमारा उतना ही कम होगा, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी उतनी कम होती जाएगी। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप सुनते हो कि हमारा ये कोई एक, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा कोई पोल है, ठीक है, जहाँ से बिजली आपकी घर तक ट्रांसफ़र हो रही है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, 3 ट्रांसमिशन लाइन है हमारे, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और एक हमारा न्यूट्रल का लाइन है, और नीचे हमारे पास क्या है, अर्थिंग है। ठीक है, नीचे हमारा अर्थ है, ये हमारे एक ग्राउंड में कनेक्टेड है, ये हमारे क्या अर्थ है। सपोज़ करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, इसने क्या किया, हमारा बी फेज का एक वायर को इसने पकड़ लिया, और बट इसने क्या है, यहाँ पे एक शूज़ पहना हुआ है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल से वो बना हुआ है, तो इसको क्या होगा, करंट यहाँ पे फील नहीं होने वाला है, क्योंकि एक इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है, और इसके कारण क्या होगा, ये प्रोटेक्ट रहेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर
अगर इसने इस वाले को छू लिया तो अब क्या हो गया, इसके बॉडी का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा और इसको क्या होगा, करंट लग गया, क्योंकि इसके वो सर्किट को इसने कंप्लीट किया कर दिया। ये शॉर्ट सर्किट के केस में आ गया, और शॉर्ट सर्किट का केस का मतलब आपको पता है ये क्या होता है, दैट इज़ जीरो ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जीरो ओम नहीं बोल सकता मैं, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, जिसके कारण करंट क्या होगा, इसके बॉडी से जाएगा और इस बंदे को क्या होगा, झटका लगेगा, और जो झटका लगेगा तो इसके सारे बाल इस तरह से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक केस होता है। तो इस केस में हमारा जो क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेसिक ओपन सर्किट। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। क्यों मैं ओपन सर्किट बोल रहा हूँ, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। इसने ये न्यूट्रल से टच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसने हाई शूज़ पहने हुए, इसने ब्लू फेस के वायर को क्या किया है, इसने टच किया हुआ है, बट इसके हाई इंसुलेटिंग मटेरियल कारण क्या हो रहा है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस बंदे को करंट नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे इसने जैसे इस वाले को टच कर दिया तो इसकी क्या हो गई, रेजिस्टेंस कम गई। सो वही चीज़ बताते हैं कि रेजिस्टेंस अगर हमारा कम हाई है तो उसके यहाँ क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। सपोज़ करो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके अगर बताऊँ, तो हमारा सपोज़ करो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, सपोज़ करो 1000 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, 1000 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारा दो टर्मिनल है, ठीक है, ए और बी। अभी क्या है, इस वाले पे रेजिस्टेंस, इस वाले टर्मिनल पे सर्किट ओपन है, तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी करंट मतलब कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा होगा, करंट मतलब ज़ीरो हो रहा है यहाँ से, कोई भी सर्किट ओपन है। अब सपोज़ करो यहाँ पे कोई एक और बंदा है, मैं सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, अब सपोज़ करो इसने ए को पकड़ लिया, तो इसे कोई भी करंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी सर्किट हमारा क्या है, बट ऑन द कंडीशन दैट कि इसने सेफ्टी शूज़ को पहना हुआ है, ठीक है, सेफ्टी शूज़ इसने पहना हुआ है, तो इसको अर्थिंग नहीं मिल रही है, और अर्थिंग जब नहीं मिल रही है तो ये सर्किट अभी हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। करंट तो यहाँ से बैटरी तो से जा रहा है, लेकिन इसके बॉडी में से रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या है, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हाई होने के कारण क्या हो रहा है कि करंट इसके बॉडी में नहीं जा रहा है, तो ये सर्किट कम्प्लीट नहीं हुआ, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हमारा हाई है। उसी तरह से इसने दूसरे वाले वायर को भी टच कर लिया, तो अब क्या हो गया, इसने सेफ्टी शूज़ पहना हो चाहे कुछ भी हो, इसके बॉडी से करंट होता हुआ इस वाले सर्किट पे जाएगा, और सर्किट एक कंप्लीट क्लोज सर्किट बन जाएगी, और उस क्लोज सर्किट में फिर क्या होने वाला, करंट फ्लो करेगा और इस बंदे को झटका लगेगा फिर, ठीक है, इसके बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास केसेस होते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के। तो उसी तरह से अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, तो हमारे पास दो तरह की कंडीशन होते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन। अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में होने वाला क्या है कि शॉर्ट सर्किट में जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो क्या होता है, हमारा जीरो ओम होता है ना, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज जीरो ओम होता है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो दैट इज़ होती है जीरो ओम, है ना, यही हमारा बेसिक केस होता है। अब उसी तरह से हमारा शॉर्ट सर्किट में जो केस होता है, दैट इज़ यहाँ पे करंट हमारा क्या होता है, जीरो एम्पियर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारी इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस होती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल लेके समझा दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो सपोज़ करो ये हमारा प्लस माइनस 5 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, सपोज़ करो ये 110 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो 0 ओम रेजिस्टेंस का मतलब, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा 0 ओम रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो, और वोल्टेज ज़ीरो होगा तो करंट हमारा जो सर्किट होगा, जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट, यानी ये क्या हमारा हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है, यानी इसका जो वोल्टेज होगा 0 वोल्ट होगा, और पैरेलल में आप जानते हो कि वोल्टेज हमारा सेम होता है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया, यानी इस सर्किट में कोई और आपका बचा ही नहीं, इस सर्किट में और कोई भी रेजिस्टेंस आपका बचा नहीं, तो केवल ये 5 वोल्ट एक आपका बैटरी की तरह ही काम कर जाएगा और कोई भी काम आपका नहीं करने वाला। बट यहाँ पे अगर आप एक लोड लगा देते हो तो अब इस लोड के अक्रॉस आपका क्या होगा, वोल्टेज आपको मिलेगा और करंट भी आपको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। सो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो का जो भी आपको प्रॉब्लम इसमें लगता है उसको क्या करो, कॉमेंट करो नीचे, और अपना जो भी सजेशन होता है उसे कमेंट करके बताओ, और वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।